हे गाइस, वेलकम टू बूस्टअप। आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला का किस तरह से यूज करते हैं एमएस एक्सेल में। हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें करना होता है, उसमें किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग सीखते हैं आज। ठीक है गाइस, तो जैसे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहला जो हमारा चीज़ होता है, जैसे मैं पहले कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, हम लोग सिंपली डेटा इंसर्ट करते हैं इंटर कर करके, और जैसे ही टैब प्रेस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने कुछ डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ने के लिए जैसे यहाँ पे जोड़ के सबको रखना है, तो हम लोग फार्मूला कभी भी स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ और हो सकता है कि हम लोग इसको ये करें, सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके और ये बड़ा वाला प्लस के साथ हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो भी फार्मूला लगाना है, जैसे यहाँ पे फार्मूला है हमारा सम है, एवरेज निकालना है, नंबर काउंट करना है कि कितना ये टोटल वैल्यू है, मैक्सिमम मिनिमम काउंट करना है, तो ये सारा चीज़ अप्लाई किया जा सकता है इसमें। जैसे अभी मैं सम निकाल दे रहा हूँ, तो सम जैसे ही सम पे मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे इस सारे डेटा का सम यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये फॉर्मूला जो है हम लोग खुद से लगाएं। जैसे यहाँ पे इन सब को जोड़ के लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग को जोड़ना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना कैसे है, अगर कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 3 वैल्यू, अब इसको जोड़ के यहाँ पे रखना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, फॉर्मूला सम से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है गाइस, जैसे ही सम आएगा तो यहाँ पे हम लोग टैब प्रेस करते हैं, टैब प्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 है, तो नंबर 1 का एड्रेस क्या है, यहाँ पे देखिए ये एम वाला सेल है, और ये देखिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करने पर ये कौन सा सेल हो जा रहा है, यहाँ पे 3, यानी ये कौन सा है, M3 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग M3 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये कौन सा है, ये M ही सेल है पूरा हमारा ऊपर से नीचे तक, तो M3 है, तो ये M4 होगा, ये M5, तो कोमा देके हम लोग लिख सकते हैं M4, M5। ठीक है, तो देखिए ये तीनों सिलेक्ट हो गया, जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे इसका सम आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो तो क्या ये पॉसिबल है कि एक एक करके हम लोग जोड़ें, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये डेटा मेरे पास कुछ इंसर्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा है, ये वाले डेटा को मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इतना डेटा है। ठीक है गाइस, और इस डेटा को मैं थोड़ा यहाँ पे भी लेके आ जा रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा सेम आ गया यहाँ पे। अब देखिए फॉर्मूला मान लीजिए यहाँ पे लगाना है, तो जैसे देखिए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं मैसेज लिख दे रहा हूँ किस चीज़ के लिए लगाया जा रहा है, तो जैसे सम के लिए लगाया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सम। ठीक है, सम के लिए फॉर्मूला सेट क्या करना होगा हम लोग को, इक्वल टू से हमेशा याद रखना है, इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट करना है। सम हो गया, सेम सेल में अगर सम से स्टार्ट करेंगे तो ये काम नहीं होगा, ये सिर्फ मैसेज के लिए है कि ये सम लिखा गया है। ठीक है, सम इक्वल टू सम, टैब प्रेस करना है, और देखिए यहाँ पे देना है अगर रेंज ऑफ डेटा हो तो फर्स्ट सेल का डेटा, जैसे ये कौन सा है, ये H3 है हमारा, यहाँ से देखिए ये 3 हो गया, ये H, या तो इस सेल पे हम लोग क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो हम लोग मैनुअली अगर H3 लिखेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए एक सिलेक्ट हो गया, और कॉलन देना है शिफ्ट के साथ, ये यहाँ पे कॉलन प्रेस कर देना है, कॉलन जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, और इसके बाद लास्ट डेटा डालना है, देना है ये वाला डेटा, तो ये वाला डेटा कौन सा है, यहाँ पे H हो गया इधर से, और इधर से हो गया हमारा 10, यानी H10 हो गया, H10। अगर हम लोग चाहें तो सिंपली यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करना है और इंटर कर देना है। जैसे देखिए ये सम हो गया, अब ये सम हो गया, यहाँ पे जैसे और भी कुछ, जैसे मैक्स निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर दे रहे हैं, मैक्स सेट कर देना है, मैक्स किसका निकालना है, इतना सब रेंज ऑफ डेटा का, यानी यहाँ से लेकर के हम लोग को कहाँ तक के डेटा को देना है, यहाँ तक के डेटा को देना है। तो देखिए ये मैक्स निकाल दिया, इस पूरे डेटा में जो मैक्सिमम है वो निकल गया। यहाँ पे अगर मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकालने के लिए इक्वल टू हम लोग मीन लिखेंगे, मीन लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे, फर्स्ट का एड्रेस दे देंगे, कॉलम देंगे, ठीक है, और कॉलम देने के बाद लास्ट का एड्रेस और इंटर कर देंगे। देखिए इसमें सबसे छोटा ये हो गया। सबका एवरेज निकालना है, तो देखिए अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, जहाँ पे भी एवरेज आएगा, जैसे यहाँ पे अभी एवरेज है, ऊपर नीचे हम लोग एरो की से कर लेंगे और यहाँ पे टैप प्रेस कर देना है और सिलेक्ट कर लेना है रेंज ऑफ डेटा, यहाँ पे हो गया, कॉलन प्रेस करना है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट का एड्रेस हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, अगर इसके बीच में कोई भी अगर डेटा मिसिंग है, जैसे यहाँ पे कोई डेटा मिसिंग हो गया, तो एवरेज क्या होता है, सभी डेटा को जोड़ना है और नंबर अब जितना जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दिया जाता है,
तो देखिए जितना सेल होगा उसे डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पर हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये सबको, इसको ब्लैंक को जीरो काउंट करेगा और ये ब्लैंक वाला सेल भी काउंट करके उतना से डिवाइड करेगा ये। ठीक है गाइस, तो ये हो जाता है। और भी बहुत सारा किस तरह से ऑटो फॉर्मूला लगा देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ है हम लोग का सम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिख दिए 3 4, ये कुछ और हो गया, ये कुछ और हो गया और ये कुछ और हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, इक्वल टू सम, सम हो गया। टैब प्रेस करना है कहाँ से कहाँ तक, इस सेल को सिलेक्ट कर लिए और ये इस लास्ट सेल तक करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉलन प्रेस कर देना है, फिर यहाँ पे हम लोग लास्ट में यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया क्या, कि इन सब को जोड़ के यहाँ पे पुट कर देना। अगर इसको हम लोग नीचे तक खींच देंगे तो यही फॉर्मूला पूरा हमारा इस सेल में भी अगर कोई डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जोड़ देगा। ये जो अप्लाई होता है रूल, ये एक से बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये अब क्या हो गया, ये सारा एक से यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और है, देखिए यहाँ पे O4 है, R4 है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखिए O5 से R5। यहाँ पे जैसे था ये वाला सेल हमारा O4 है और O4 से यहाँ पे क्या था, R4 तक था। देखिए फर्स्ट का O4 से R4 था और जैसे ही हम लोग ये इसको ड्रैग कर दिए, कैसे ड्रैग हुआ, हम लोग क्या किए इस पे ऑटो फिल कर दिए। तो देखिए ये सेम, तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ से एक वैल्यू बढ़ गया, यानी O5 यहाँ R5। तो ये वाला सेल O5 है हमारा, ये वाला R5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट हुआ। अब जैसे ही इसमें हम लोग कोई भी डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ये देखिए जोड़ रहा है, ऑटोमेटिक जोड़ते जा रहा है। इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो बहुत जगह पे ये सब चीज़ जरूरत पड़ता है हम लोग को करना। ठीक है गाइज, तो ऐसे कर करके हम लोग जैसे इंटर ये हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो ये जोड़ेगा, फिर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे फिर से नीचे आ जाएंगे हम लोग। तो देखिए गाइज ये जोड़ रहा है ऑटोमेटिक, तो ये होता है ऑटोमेटिक फार्मूला। जहाँ पे भी ड्रैग हम लोग कर देंगे ये ऑटोमेटिक इंक्रीज कर लेगा और ये ऑटो फिल से उस फार्मूला को भी यहाँ पे पुट कर देगा। तो ऐसे ही फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारा फार्मूला है। अब देखिए जैसे कुछ स्ट्रिंग फार्मूला होगा, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है राजू, ठीक है, और राजू यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कुमार। अब देखिए ये राजू कुमार लिखा है, कुछ स्ट्रिंग फार्मूला भी हम लोग लगाएंगे, राजू कुमार लिखा है यहाँ पे, जैसे अभी कर क्या दे रहा हूँ मैं कि इक्वल टू लोअर, किसको करना है लोअर, टैब प्रेस करेंगे हम लोग और इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये क्या हुआ, इसका ये क्या हुआ, कैपिटल में लिखा है, ये स्मॉल में कर दिया। वैसे इसका भी अगर हम लोग कर देंगे तो ये क्या करेगा, इक्वल टू लोअर, लोअर मतलब होता है स्मॉल लेटर। ठीक है, यहाँ पे टैब प्रेस करना है और इस वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है, देखिए यहाँ पे कुमार हो गया। अब हम लोग क्या होता है कि कहीं पे फर्स्ट नेम कहीं पे लास्ट नेम लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर फुल नेम लिख के आना है तो कैसे हम लोग इसमें दोनों को जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू कॉन्केटिनेट एक फंक्शन होता है, देखिए कॉन्केटिनेट यहाँ पे आ गया। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। अगर यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो ये जोड़ दे रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को हम लोग कॉन्केटिनेट कर देंगे तो ये क्या होगा, 45 45 एक साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इक्वल टू कॉन्केटिनेट लगा देना है। कॉन्केटिनेट में किसको जोड़ना है, इस राजू को जोड़ना है, ठीक है, कॉमा देना है और किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो इसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ देना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है गाइस, अब देखिए ये क्या हुआ, एक साथ हो गया। अगर हम लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा अगर, तो देखिए ये एक साथ ज्वाइन हो गया। वैसे ही अगर नंबर में अगर कोई अप्लाई करेंगे, जैसे इक्वल टू कॉन्केटिनेट अगर अप्लाई करेंगे हम लोग और 45 कॉमा फिर से इसको कर देंगे, तो ये जोड़ेगा नहीं, इस दोनों को ज्वाइन कर देगा, यानी कॉन्केटिनेशन जो होता है वो ज्वाइनिंग ऑपरेटर होता है। ठीक है गाइज, और सॉर्ट फिल्टर वगैरह है, जैसे डेटा को इसमें से, जैसे देखिए इसको सिलेक्ट कर लिए, इसको फिल्टर करना है, फिल्टर किससे, फिल्टर या सॉर्ट, सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, ये सब दिया हुआ है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक डेटा को सॉर्ट हो जाता है। बहुत जगह पे जरूरत पड़ता है कि हमारा सबसे टॉप पे ग्रेटर हो या सबसे टॉप पे स्मॉलर हो, उसके हिसाब से वो नीचे भी हो। ठीक है गाइस, तो ये होता है, ऐसे ही फॉर्मूला को हम लोग पुट कर सकते हैं अपने टेबल में। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। और बहुत ही जल्द हम लोग स्टेट पे शुरू कर रहे हैं, हम लोग स्टेट का क्लास करना कंप्लीट, हमारा प्रिपरेशन होगा वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का, और इस बार 125+ मार्क्स सबको लाना है। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।